का फैक्टराइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन एन इक्वल वन एंड ए इज एनी रियल नंबर देन वन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड पी ए इक्वल जीरो इफ इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। यदि रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से की होगी तो ये बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ये यहाँ तक तो लगभग रिमाइंडर थ्योरम ही है। ये क्या बोल रहा है? कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी डिग्री या तो वन है या ग्रेटर देन वन है, और जो ए है वह एक रियल नंबर है, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर, जो एक्स माइनस ए है बाय फैक्टर है, और फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू जीरो। यदि अब ए एक्स माइनस ए फैक्टर है तो ए जीरो होगा। सेकंड पी ए इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए। ये जो कह रहा है यहाँ तक तो जो है, यहाँ तक जो थ्योरम है वो तो रिमाइंडर थ्योरम ही है। अब यहाँ इसके आगे क्या, एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब इधर से शुरू करते हैं, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ कहाँ से करेंगे, वाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या थी? पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये रिमाइंडर थ्योरम थी। जी एक्स क्या था? डिवीजर था। क्यू एक्स क्या था? कोशेंट। ये रिमाइंडर थी। अब इसको क्या लिखेंगे? अब जी एक्स क्या है? एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए। इधर क्यू एक्स, क्यू एक्स अभी दिया नहीं है तो क्यू ऑफ एक्स लिखा जाएगा। प्लस आर एक्स क्या है रिमाइंडर में? ए पी ए है। पी ए क्यों है? क्योंकि पी ए इक्वल टू जीरो है, ये फैक्टर है तो जीरो रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ए बना हमारा रिमाइंडर थ्योरम से। पी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, फर्स्ट है पी ए इक्वल टू जीरो, तो इसका फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस ए। क्योंकि जब एक्स माइनस ए फैक्टर होगा तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्स इक्वल टू ए। जब पी ऑफ एक्स में ए रखेंगे तो ये जीरो आ रहा, तो मीन्स एक्स माइनस ए इसका एक फैक्टर है। तो पी ऑफ एक्स को कैसा लिखेंगे? पी ऑफ एक्स इक्वल टू जो फैक्टर होगा, तो उस फैक्टर को लिखेंगे तो एक्स माइनस ए, ये फैक्टर है। अब यदि जो इसका कोशेंट निकल रहा होगा उस कोशेंट को भी लिख इंटू क्यू एक्स। ये कैसे आया? जैसे सपोज कीजिए, हमने इधर थोड़ा समझते हैं इसको, फाइव डिवाइडेड बाई टू करते हैं। अभी मैंने करके देखा था, अब इसमें तो रिमाइंडर आएगा, ऐसा करते हैं जिसमें रिमाइंडर जीरो आए तो सिक्स कर देते हैं। तो टू थ्री जा सिक्स, ये सिक्स है, तो इधर क्या क्या हो जाएगा, सिक्स इधर जीरो। अब ये क्या है? ये है जी एक्स और ये क्या है? ये क्यू एक्स है। अब ये इसका फैक्टर होगा, इन दोनों का मल्टीपल करें यदि, तो हमें ये पी एक्स मिलेगा। ये पी एक्स है सिक्स, तो पी एक्स में यदि जी एक्स और क्यू एक्स का मल्टीपल किया तो पी एक्स आएगा, ये ऐसा लिखा गया है। एंड सेकंड क्या है? रिमाइंडर
नाउ एक्स माइनस ए यदि फैक्टर है, सेकंड देखें थोड़ा सा, तो क्या होगा, इसको कैसा लिखा जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड जी एक्स। अब इसमें दिया क्या है, एक्स माइनस ए है तो एक्स इक्वल टू ए, ऐसा लिखा जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, मैं एक्स की जगह ए को पुट कर देते हैं, तो पी ऑफ ए इक्वल टू एक्स की जगह ए रखा माइनस ए इंटू जी एक्स, ए से ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा, ये जीरो, और जीरो आ गया मीन्स क्या है, ये इसका फैक्टर है। ए फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम यदि बहुत अच्छे से समझ ली है तो फैक्टर थ्योरम भी बहुत अच्छे से बन जाएगी। रिमाइंडर जीरो है तो जो जी एक्स है, जी एक्स फैक्टर होगी पी एक्स की, पी एक्स का फैक्टर होगा, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये क्या है, पी ऑफ एक्स है, एंड जी एक्स क्या दिया है, इसमें कुछ भी लेते एक्स प्लस टू। अब ये जी एक्स इसका फैक्टर है या नहीं ये चेक करना है, तो इसको चेक करते हैं, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो पी ऑफ माइनस टू इक्वल टू माइनस टू का क्यू प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू प्लस सिक्स। माइनस क्यूब है तो माइनस चेंज नहीं होगा, इधर इस टू का इस क्यूब हो जाएगा एट, और ए प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर प्लस ही रहेगा, टू टू या फोर, फोर थ्री या ट्वेल्व, ए प्लस माइनस माइनस, इधर टेन और ये सिक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं प्लस माइनस को करके, टेन माइनस का है एट माइनस का है तो माइनस का एट्टीन, ए प्लस है तो ए प्लस का एट्टीन, दोनों कैंसिल इक्वल टू जीरो, ए जीरो आ गया। सो वाई द फैक्टर थ्योरम, सो वाई द फैक्टर थ्योरम, एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। यदि जीरो आ गया तो ये इसका फैक्टर है। मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री टू होती है। अब कोई एक क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लेता हूँ, एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवेंटीन एक्स प्लस फाइव, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करना है। मींस पॉलिनोमियल है तो क्या है, ये पी ऑफ एक्स है। अब इसके फैक्टराइजेशन करना है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स की थ्योरम जब पढ़ी थी तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या था, लीनियर था तो एक्स की वैल्यू केवल एक आती थी, एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता था। क्वाड्रेटिक है तो इसके एक्स की टू वैल्यू होगी जो इसको जीरो करती होंगी। लीनियर इक्वेशन था जैसे एक्स प्लस टू, ए लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें एक्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, वन। लेकिन यदि क्वाड्रेटिक है तो इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज कितने होंगे, टू। यदि क्यूबिक होगा यानी पावर थ्री है तो इसमें जितनी पावर होंगे उतने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, मींस उतने फैक्टर होंगे, एक्स की वैल्यू उतनी ही आएगी। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा समझें। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मीन्स होता है
अलग करना, बंटवारा करना, फैक्टर कर देना। और मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इस पॉलीनोमियल की मिडिल टर्म क्या है, 1, 2, 3 टर्म्स हैं, तो इसकी मिडिल टर्म है 17x। इसको हम तोड़ते हैं, इसका बंटवारा करते हैं, इसको इस पॉलीनोमियल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कैसे तोड़ना है इसको देखते हैं। पॉलीनोमियल किस रूप में रहेगा, पॉलीनोमियल रहेगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। अब हमें करना क्या है, ए इंटू सी करना है, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, इस ऐसा करेंगे ए इंटू सी। हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ़ कार्य है तो रफ़ पर ही करेंगे इसे। तो सी और ए और सी का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये 30। अब 30 का हम फैक्टर निकालते हैं एलसीएम जैसे करते हैं, तो 2 15 या 30, और इसको फिर से करते हैं 5 से, तो 5 3 या, और इधर 3 इधर 1, तो 2 × 5 × 3 ए इसके फैक्टर हुए। अब इनके फैक्टराइजेशन को ऐसा करना है जिनका प्लस ए या माइनस, प्लस या माइनस जो मिडिल टर्म है ये आनी चाहिए, और उनका मल्टीपल ये आना चाहिए, मल्टीपल ए और सी आना चाहिए, और प्लस और माइनस जो भी करें वो आना चाहिए 17, मींस मिडिल टर्म आनी चाहिए। इसके दो ग्रुप बना लेते हैं, या तो इसको ले लेते हैं या इसको ले लेते हैं। अब पहले इसको लेते हैं, 5 2 जा 10, और ये 3, इनका मल्टीपल तो 30 आ रहा है, लेकिन इनका प्लस माइनस कुछ भी कर लें, चाहे प्लस करें या माइनस करें, ये 17 नहीं आएगा, तो मीन्स ये नहीं लेना है। अब हम दूसरा लेते हैं, इसको एक ग्रुप बनाते हैं, ये अलग, तो 2 × 15, 15 2 जा 30, तो ये क्या है, ये 30 इसका मल्टीपल तो आ रहा है। अब 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17 भी आ रहा है। साइन ध्यान रखेंगे, साइन क्या है, अब इसको कैसा लिख देंगे हम, 6x स्क्वायर। अब चूँकि प्लस चाहिए है तो प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अब देखिए 2 और 15 का मल्टीपल करेंगे तो 30 आ जाएगा, मींस इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17x। ये मेथड क्या कहलाता है, बाई स्प्लिटिंग, बाई स्प्लिटिंग मेथड। हमने इसका क्या किया, बंटवारा कर दिया, 6x और 2x में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 3x प्लस, 2x कॉमन चला गया तो इधर आएगा 1 प्लस, इधर से 5 कॉमन करें हम तो क्या आएगा, 3x प्लस 5 चला गया तो 1। ये दोनों जो हैं ये सेम आएंगे, यदि सेम नहीं आ रहा तो आपका फैक्टराइजेशन कहीं गलत है, बिल्कुल याद रखना। इधर जो ये दो फैक्टर आ रहे हैं ये सेम आने चाहिए, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आप फिर से चेक करें, कुछ गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, ए और ए इक्वल हैं तो इनको कॉमन कर लेते हैं, तो 3x प्लस 1, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5। ये फैक्टर हैं इस पॉलीनोमियल के, ये दोनों फैक्टर, यदि दोनों का मल्टीपल करें तो ये पॉलीनोमियल आ जाएगा। एक्स की दो वैल्यू कौन सी निकल रही है, 2 वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो एक्स की 2 वैल्यू निकलनी थी, एक एक्स की वैल्यू इससे निकलेगी, एक एक्स की वैल्यू इससे निकलेगी। इस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होंगे, उनके फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, यदि क्यूबिक पॉलीनोमियल है, क्यूबिक होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी,
जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स के कितने होंगे, क्यूबिक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, थ्री होंगे, क्योंकि जितनी पावर क्यूबिक यानी थ्री पावर है एक्स की, तो थ्री हो गई। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया हमने, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ये आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, उसी एग्जांपल को दिया। ये क्यूबिक है मींस इसकी डिग्री थ्री है, तो जीरो जब पॉलिनोमियल्स थ्री होंगे इसके, मींस एक्स की ऐसी तीन वैल्यू होंगी जो इसको जीरो करती होंगी। अभी क्वाड्रेटिक जो पढ़ा है उसमें केवल टू वैल्यू थी, उसको निकालना तो सरल था, लीनियर और भी सरल था, इसको थोड़ा सा समझना है तो पहले थोड़ा सा रफ़ काम करना पड़ेगा हमें। एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिससे ये जीरो है, पहले तो ए निकालना है। तो एक्स इक्वल टू हम कुछ वैल्यू लेते हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, ये हम चेक करेंगे जब तक कि ये जीरो ना हो जाए, इसका और कोई मेथड नहीं है, इसको चेक करेंगे। नाइन्थ स्टैंडर्ड में लगभग प्लस माइनस फोर तक सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लेते हैं एक्स इक्वल टू वन, इधर रखें एक्स की जगह, तो वन का क्यू माइनस 23, वन का स्क्वायर वन ही होगा, प्लस 142, वन का वन ही होगा, माइनस 120, तो वन हो गया इधर, इधर हो गया 23, प्लस 142, माइनस 142। अब इनको प्लस करते हैं, ए और ए प्लस प्लस वाला प्लस हो जाएगा, तो 143, माइनस माइनस वाला इधर प्लस होगा तो 143, ये कैंसिल हो गया, जीरो जीरो आ गया, मींस एक्स इक्वल टू वन एक फैक्टर है। अब इसे फैक्टर के फॉर्म में कैसा लिखेंगे, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है। अब इधर ये रफ पे करना है, इधर थोड़ा सा करते हैं अब इसको, एक्स इक्वल टू वन, तो पी वन इक्वल टू जीरो, सो वी कैन से दैट एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है। अब इधर पी इक्वल टू जीरो सीधा रख दिया, चाहें तो ये करके भी रख सकते हैं, लेकिन रफ पर करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसका एक फैक्टर निकला है, अगर हम इसमें ये फैक्टर है तो इसमें डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो वो जीरो रिमाइंडर आएगा। इसको डिवाइड करके देखते हैं डिवीजर मेथड से, कैसे करेंगे, एक्स क्यू माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, इसको हम इधर कर देते हैं, किससे करेंगे, एक्स माइनस वन, क्योंकि x माइनस वन एक फैक्टर है, फैक्टर है तो इसे जीरो आना चाहिए, और यदि जीरो नहीं आ रहा तो ये फैक्टर गलत निकाला है। इधर x क्यू है, इधर x है, तो x स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, x क्यू माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, 23 में से प्लस का प्लस का x बाहर जाएगा, तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। अब इधर एक्स स्क्वायर है, माइनस 20 एक्स स्क्वायर, 22 एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, अब नीचे क्या आया, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, इधर एक्स है, एक तो माइनस की कमी है, 22 की कमी है, एक एक्स की कमी है, तो माइनस 22 एक्स, इधर क्या हो जाएगा, 22 एक्स स्क्वायर, ये माइनस है और ये माइनस है, इसलिए इधर प्लस हो जाएगा 22x, इधर साइन फिर चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस हो गया तो कैंसिल, इधर क्या हो जाएगा,
120x माइनस 120। अब इधर x है, इधर 120x है, प्लस का है, इसलिए प्लस का 120x, तो 120x माइनस 120। इधर फिर साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये कैंसिल, इधर क्या आ गया, जीरो। यदि ये जीरो आ गया मीन्स हमारा एक फैक्टर तो ये सही है। अब यदि हम ये क्या है, जी एक्स है और ये क्यू एक्स है, जी एक्स क्यू एक्स का मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, इधर करके देखते हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। इधर 120 होगा, ये x नहीं होगा, गलत लिख गया था, इसे सुधार लेना, 120। अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, मीन्स जी एक्स क्या है, x माइनस वन, क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। p ऑफ x क्या आया था पिछले पेज पर, 1x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ये तो एक फैक्टर है, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक का निकालना आता है, तो पहले हम इसका निकालते हैं, इस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। कोफिशियंट क्या है इसका, कोफिशियंट 1 है, ये 120 है, तो 120 आना चाहिए। अब 120 का हम ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 120। वन ट्वेंटी को इधर करके देखते हैं, टू से 60 times, फिर टू से 30 times, फिर टू से 15 times, फिर थ्री से 5 times, मीन्स टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, ये आया। कंडीशन वही है, मल्टीपल 120 आना चाहिए, क्योंकि a इंटू सी इक्वल टू 120 है, जबकि उसका प्लस या माइनस माइनस 22 आना चाहिए। तो कैसे आएगा इसको देखते हैं। अब इधर क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, टू जा एट, एट इंटू 15, ये दोनों 22 से आगे निकल जाते हैं। अब क्या होगा, अब हम कर देते हैं, टू टू जा फोर इंटू थ्री प्लस, इनको कर देते हैं 10, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10, माइनस चाहिए है तो दोनों माइनस कर देंगे, तो 22 भी हो जाएगा और माइनस का भी हो जाएगा। तो कैसा लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। अब क्या होगा, इसमें से x बाहर कर देते हैं, अंदर क्या आएगा, x माइनस 12, इधर से माइनस 10 बाहर कर देते हैं, तो इधर क्या आएगा, x प्लस में से माइनस जाएगा तो माइनस, और 10 बाहर तो इधर आ गया 12। अब ये दोनों सेम हैं, मीन्स हमारा फैक्टराइजेशन तो ठीक है, ये सेम आना चाहिए, तो x माइनस 12 को कॉमन लिया तो अंदर क्या आया, x माइनस 10। ये दोनों फैक्टराइजेशन हो गए, फैक्टर किसके हो गए, क्वाड्रेटिक के हो गए। अब हमें p ऑफ x का चाहिए है, तो p ऑफ x का क्या हो गया, एक तो x माइनस 1 था और इसके कितने हो गए, इसके ये दो निकले, तो इनको भी मल्टीपल कर दो, x और x माइनस 10। ये x की तीन वैल्यू निकली या तीन फैक्टर निकले जो
उस पॉलिनोमियल के फैक्टर थे। और तीन वैल्यू कैसे निकलेंगी, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दो, एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो कर दो, एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो कर दो, तो एक्स की थ्री वैल्यू निकलेंगी। ये है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से समझें, बार बार वीडियो देखें। ये यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अगली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में 2.4 एक्सरसाइज देखेंगे।